बिहार में चुनाव हो और गड़बड़ियां ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मानो बिहार पे ठप्पा लग गया है कि जब तक गड़बड़ियां नहीं होगी तब तक चुनाव पूरे नहीं होंगे। जी हाँ, खबर आरा की है। आरा के बड़हरा जिले से यह खबर आई है कि वहां के जो राजद विधायक हैं सरोज यादव, उनका और स्थानीय लोगों का झड़प हो गया है। विधायक जी क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि वहां उनका कहना है कि बूथ पर जो है गड़बड़ियां चल रही है और वोटरों को जाने से रोका जा रहा है और काफ़ी कुछ गड़बड़ वहां चल रहा है। उनका कहना है कि हमारे गाड़ी पर जो हमला किया गया वो बीजेपी समर्थकों द्वारा किया गया। उनका साफ तौर से निशाना जो है वो बीजेपी समर्थकों का है, जबकि वहाँ जो थानाकर्मी हैं उनका कहना है कि स्थिति जो है अब कंट्रोल में है। अब स्थिति कैसी है वहाँ की वो तो हमें नहीं पता, लेकिन नेताजी विधायक जी जब बोल रहे हैं तो काफ़ी घबरा रहे हैं। उन्हें प्रॉपर डाटा भी है जो नहीं पता है। उनका कहना है कि हमारे ऊपर जो हमले किए गए वो बीजेपी सपोर्टर्स के थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं और बाकी सारी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। ये रही, क्या मामला हुआ है आपके साथ? देखिए, बड़हरा में दबंगई किया जा रहा है, गरीब वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। बूथ संख्या 21 के वोटरों को, मुसलमान को रोक दिया गया है। यही आपको बता रहे हैं कि 215 पे दबंगई किया गया है। अभी राघवेंद्र प्रताप सिंह खुद वोट डाल रहे हैं 243, 244, 243, 242 और 237 बूथ पे, और 113 को पकड़ के बैठा गया है। कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। और यहाँ इस बूथ पे जो कि बूथ संख्या है, यहाँ भांगर का कितना है वो बता रहे हैं, 115 नहीं, 126 वोटरों को आने नहीं दिया जा रहा है। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस है, वहाँ रोक दिया जा रहा है। और उसके बाद 21 नंबर बूथ को रोक दिया गया है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। गाड़ी का शीशा भी फूटा है। हाँ, अगर ये लोग एक घंटा शीशा देख लीजिए किस तरह का शीशा मार दिया गया है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं शांति व्यवस्था बहाल किया जाए, नहीं तो पूरा बड़हरा जलने लगेगा। जो स्थिति है अगर नहीं सुधार किया जाएगा, हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं। शांति व्यवस्था के साथ मतदान एक लोकतंत्र का महापर्व है। उसी तरह हम लोग बढ़ावा देते हैं। हमने लगा जंगल तो आपने देखा कि विधायक जी क्या कुछ कर रहे हैं इस मामले में, कि किस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है, या फिर उनका दावा है, उनका आरोप है कि जो वहां पर लोग हैं वो बीजेपी समर्थक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स इलेक्शन को लेकर, फर्स्ट फेज वोटिंग को लेकर हम आपको लगातार दे रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।